भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा के बीच इमरजेंसी जैसे हालात हैं। श्रीलंका को वित्तीय संकट और अशांति से जूझते देख पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या नाराज और दुखी हैं। जयसूर्या ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, ये बहुत दुखद स्थिति है। मेरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है और जरूरी खान पान के सामान के लिए भी लोगों को लंबी कतार में लगा देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। श्रीलंका के मौजूदा हालात पर पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर ने भावुक बयान दिया। जयसूर्या बोले, देश में बिजली, ईंधन और जरूरी दवाइयां तक नहीं है, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। खेल के मैदान में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले स्टार बल्लेबाज ने राजनेताओं को जमकर दताड़ लगाई। सनत जयसूर्या बोले, कुछ नेताओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया और मुझे उम्मीद है कि देश में जल्द ही लोकतंत्र बहाल होगा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी धावा बोल दिया था। बुधवार को उग्र भीड़ श्रीलंका के संसद भवन तक पहुंच गई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीलंका के हालात संभालने के लिए सेना और पुलिस को कार्यवाहक राष्ट्रपति ने पूरी छूट दे दी है। उधर जयसूर्या ने लंका के मौजूदा हालात के लिए रणिल विक्रमसिंघे और गोटाबाया राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराया। सनत जयसूर्या ने कहा, दोनों नेताओं ने अपना वादा नहीं निभाया। जयसूर्या बोले, खराब आर्थिक नीतियों का खामियाजा श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खुलकर बोले और लोकतंत्र की बहाली जल्द होने की कामना की। आपको बता दें, अगस्त यानी अगले महीने एशिया कप खेला जाना है, जिसकी मेजबानी श्रीलंका को करनी है। इस टूर्नामेंट को लेकर सनत जयसूर्या ने कहा, उम्मीद है ये लंका में होगा, क्योंकि यहाँ के लोग इस खेल और खिलाड़ी दोनों से प्यार करते हैं।